हेलो व्यूअर्स, आज हम आपसे बात करेंगे कि डिलीवरी के दौरान क्या स्किन चेंजेस होते हैं किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट्री चेंजेस जो प्रेगनेंसी में होते हैं, दे आर वेरी सेलेक्टिव एंड इट डज नॉट अकर इन द एंटायर बॉडी। सबसे मुख्यतः ये फेस में आते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलाजमा ग्रेविटम और प्रेगनेंसी मास्क। दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द फीमेल्स, सभी प्रेगनेंट फीमेल्स में ये इसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। किसी में बहुत ज़्यादा आ सकती है पिगमेंटेशन और किसी में पिगमेंटेशन कैन बी वेरी लिमिटेड। यूजली जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन जो मिलता है अराउंड 10-20% फीमेल्स में, वो पिगमेंटेशन चीक्स पे आता है, फोरहेड पे आता है और आइज़ के अराउंड आता है। और ये पिगमेंटेशन डिफ्यूज़ भी हो सकता है और पैची भी हो सकता है। बट देर इज़ एक्चुअली नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज दिस डिसअपियर्स स्पॉन्टेनियसली आफ्टर द डिलीवरी। जो दूसरा पिगमेंटेशन होता है जो एब्डोमेन में आता है, पेट में आता है, उसको हम कहते हैं लीनिया नाइग्रा। लीनिया माने लाइन एंड नाइग्रा मीन्स ब्लैक। तो दिस इज़ बेसिकली अ ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन विच इज स्ट्रेचिंग वर्टिकली फ्रॉम द ज़ीफी स्टर्नम टू द सिम्फाइसिस प्यूबिक बोन। सिम्फाइसिस प्यूबिक बोन इज प्रेजेंट एट द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन। द पिगमेंट्री चेंजेस आर प्रॉबली ड्यू टू द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं उनको भी ये चेंजेस होते हैं। तो इट कुड बी प्रॉबली बिकॉज ऑफ द चेंज्ड लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। थर्ड होता है स्ट्राइड ग्रेविडम। दीज आर स्लाइटली डिप्रेस्ड लीनियर मार्क्स विद वेरिंग लेंथ एंड ब्रेथ विच आर फाउंड इन द प्रेगनेंसी। ये प्रीडोमिनेंटली जो है लोअर एब्डोमेन में मिलता है, यानी कि अम्बिलिकस के नीचे, ओवर द थाइस, ओवर द ब्रेस्ट, जहाँ जहाँ स्ट्रेचिंग होगी वहाँ वहाँ ये स्ट्रेच मार्क्स मिलते हैं। दीज स्ट्रेच मार्क्स एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्कार टिश्यू इन द डीपर लेयर्स ऑफ योर स्किन। इनिशियली दीज आर पिंकिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। दे कुड बी डार्क कलर्ड इन वुमेन फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन ओरिजिन। और उसके बाद द स्कार टिश्यूज यूजली कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी एंड ऑब्लिटरेट द कैपिलरीज एंड दे बिकम ग्लिस्टनिंग वाइट इन अपियरेंस। एंड इनको हम कहते हैं स्ट्राई एल्बिकन्स। एल्बिकन्स मीन वाइट, तो ग्लिस्टनिंग वाइट हो जाते हैं। एंड दीज स्ट्रेच मार्क्स कैन बी सीन इन अ वुमन हु हैज़ डिलीवर्ड एटलीस्ट वन बेबी। तो ये लाइफ लॉन्ग ये स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं, ऑल्दो इतने इंटेंस नहीं रहते हैं, वाइट हो जाते हैं, तो ये कैमोफ्लेज हो जाते हैं स्किन के साथ, बट दे एग्जिस्ट ऑल योर लाइफ। अपार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फ्यू रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर ऑल दिस। इसको बचाओ आप कैसे करेंगे? आप कंट्रोल्ड वेट गेन करिए, डू नॉट गेन अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ मसाजिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल बाय सर्टेन ल्यूब्रिकेंट्स लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एंड देर आर एन नंबर ऑफ क्रीम्स विच आर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स विच कैन प्रॉबली रिड्यूस द नंबर ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। द अदर क्यूटेनियस चेंजेस जो फीमेल्स में, सब में नहीं मिलते हैं, कुछ में मिलते हैं, उसमें वैस्कुलर स्पाइडर मिलता है और पामा एरिथमिया मिलता है बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन द बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो दीज आर द स्किन चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंट स्टेट। थैंक यू।